हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक्नो वर्ड विद आशीष। तो सामने डिस्प्ले हो रहा है रुपीस का सिंबल, जो कि इंडियन रुपीस का सिंबल है। बट हम लोग जो अपना डेली यूज़ में एंड्रॉयड कीबोर्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये सिंबल नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से जो है आप अपने एंड्रॉयड कीबोर्ड में रुपीस का सिंबल ऐड कर सकते हैं, और जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है रुपीस की, तो आप एज अ सिंबल भी उसको यूज़ कर पाएंगे। तो मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं टेक्नो वर्ड विद आशीष। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द वो लाल वाला बटन दबाकर ग्रे कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही आपको टेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। तो सपोज़ ये देखिए, मैंने यहाँ पर सर्च पर गया और मैंने एक कीबोर्ड, ये आपको पूरा दिख रहा है, ओपन है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मैं यहाँ पर सिंबल पर करूँगा तो देख लीजिए, अभी आपको सारे सिंबल दिख रहे हैं। यहाँ डॉलर का दिख रहा है, एट द रेट दिख रहा है, और भी सिंबल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कहीं आपको रुपीज़ का सिंबल नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं प्ले स्टोर में ले चलता हूँ आपको, वहाँ से भी दिखा देता हूँ, वहाँ पर भी सर्च करा करके, कोई भी सर्च कराते हैं सपोज़ कीबोर्ड में, और यहाँ से रुपीज़ का सिंबल अभी मेरे इसमें नहीं आ रहा है। अब आपको मैं ट्रिक बताऊँगा किस तरह से आप जो है किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में रुपीज़ का सिंबल को ला सकते हैं। मेरे पास जो फ़ोन है वो है नॉर्ड C2, ठीक है। एंड्रॉयड 12 मैंने अपडेट कर लिया, काफ़ी वीडियोज़ आपने देखी हुई हैं, और प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को, अगर पसंद आती है। नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करके कमेंट भी डाल दिया करिए कि क्या रीज़न रहा है आपको नहीं पसंद आया। मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि आप लोगों का जो है आंसर जो है दे सकूँ, और मैं जेन्युइन वीडियो पर ही बनाने पर ही बिलीव कर रहा हूँ। मैं ये नहीं किसी को फेक कुछ भी बता दूँ। तो मुझे भी लगता है कि काफ़ी यूट्यूबर हैं जो मतलब व्यूज़ पाने के लिए फेक वीडियो, थंबनेल कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है, ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है। जितने भी व्यूज़ आए मेरे अच्छे रहे व्यूज़, और जेन्युइन व्यूज़ मुझे मिले तो मुझे भी खुशी होगी, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को, और यहाँ पर देखिए कीबोर्ड में करना है, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके कीबोर्ड में जहाँ भी सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है वहाँ से आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ देखिए सबसे पहले ऊपर लैंग्वेज ऑप्शन आ रहा है, इसी पर ही आपको क्लिक कर देना है। बस यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड कीबोर्ड करना है, और ऐड कीबोर्ड करने के बाद आपको यहाँ पर इंग्लिश इंडिया कर देना है। देख लीजिए सर्च करिए, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से सर्च भी करा सकते हैं। अभी US लगा हुआ है, देख लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक करके, इंग्लिश US लगा हुआ है कीबोर्ड में। मैं इसको इंग्लिश इंडिया कर दूंगा, ठीक है, इंग्लिश और इंडिया, ये देखिए इंडिया का आ गया, ठीक, मैंने डन कर दिया। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पेंसिल वाले आइकन पर टैप करने के बाद US वाले को डिलीट भी कर दिया। अब देखिए मेरे में रुपीस का सिंबल ऐड हो चुका है। कैसे ऐड हुआ देखिए, मैं यहाँ पर फिर से सिंबल पर क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पर जो आ रहा है आइकन पे, और देखिए रुपीस का सिंबल ये आ गया, ये देखिए मैं टैप करके दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप सोचेंगे डॉलर का सिंबल गायब हो गया, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डॉलर का सिंबल भी आएगा, ये देख लीजिए। तो सारे जो सिंबल हैं आपके ऐड हो गए, इंक्लूडिंग रुपीस। तो आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो जल्द से जल्द प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून।